अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। यस्टरडे हमने अल्फाबेट और उनकी साउंड्स के फलक पढ़ा था। लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ से नज़र नहीं थी आ रही। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। टुडे इज़ द लेसन नंबर टू। लेसन नंबर टू में आज बेसिक में पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। हमारी रोज़मर्रा की डेली की जिंदगी में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए हमें इनका पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आओ, खाना खाओ, उधर जाओ, ये करो, वो करो, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और इनकी आगे काइंड होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग दिस। इम्पेरेटिव आर सिंपली वर्ब्स यूज्ड टू अचीव डिफरेंट फंक्शंस। इम्पेरेटिव एक तरह के वर्ब्स होते हैं, फेल होते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के कामों को निकलवाने के लिए। इनकी आगे काइंड हैं। ओके, सो गिव ऑर्डर्स एंड कमांड्स, हुक्मिया यानी कि हुक्म देने के लिए भी यूज होते हैं इम्पेरेटिव्स। गिव डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस, सिमत और हदायत के लिए भी यूज होते हैं ये। मेक रिक्वेस्ट, दरख्वास्त अर्ज या इल्तजा के लिए भी यूज होते हैं इम्पेरेटिव्स। गिव एडवाइस, सजेशन, किसी को नसीहत या मशवरा देने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं इम्पेरेटिव्स। गिव वार्निंग्स, किसी को तनबीह या खबरदार करने के लिए भी इम्पेरेटिव्स को यूज किया जाता है। फाइनली इन्वाइट समवन, किसी को मधु या दावत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इनको मिसालों के साथ, मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, इम्पेरेटिव में अगर आप किसी को हुक्म देना चाहते हैं यानी कि टू गिव ऑर्डर्स एंड कमांड, उसके इम्पेरेटिव कैसे होंगे? फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, इधर आओ, गो देयर, उधर जाओ, बी क्वाइट, खामोश रहो, स्टे देयर, वहीं पे रहो, लीव मी, मुझे छोड़ दो, क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। ये ऑर्डर के कमांड है, ये मोस्टली आपको आपके पेरेंट्स वगैरह देते हैं हुक्मिया जुमले। सो यू अंडरस्टैंड दिस। देन वी हैव टू गिव डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, सिमत या हदायत के लिए भी ये इम्पेरेटिव यूज होते हैं। तो इसमें क्या आता है जी, डायरेक्शंस के लिए, सिमत के लिए ये होंगे, टर्न लेफ्ट, बाई तरफ मुड़ो, या राइट, या राइट तरफ मुड़ो, take this street, ये वाली गली लो, take this road, ये वाली सड़क लो, cross the road, सड़क क्रॉस करो, पार करो। इंस्ट्रक्शन में होंगे preheat the oven, यानी कि ओवन को पहले से गर्म कर लो। अगर आपने ओवन वगैरह में कोई चीज़ कुक करनी हो, रोस्ट करनी हो, तो उसको पहले preheat किया जाता है ताकि आपका मीट जल्दी कुक हो जाए। Use oil in the pan, ये भी इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि पैन में ऑयल डाल के इस्तेमाल करो। अगर आपने अंडा वगैरह बनाना हो तो सो योर सीनियर्स कैन टेल यू पुट द ऑयल इनटू द पैन, सो योर ऑयल जो है अंडा अच्छे से कुक हो जाए। लाइक आई होप यू गॉट द आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। इम्पेरेटिव में रिक्वेस्ट कैसे यूज करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज का वर्ड यूज करेंगे। प्लीज पास द बुक, प्लीज मुझे किताब दो। प्लीज क्लोज द डोर, बरा मेहरबानी दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो, राइट? एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच। दरख्वास्त या इल्तजा के लिए ये यूज़ होती है रिक्वेस्ट, और इस प्लीज़ की जगह हम काइंडली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि काइंडली क्लोज द डोर, काइंडली हेल्प मी। तो इससे अगली काइंड है गिव एडवाइस एंड सजेशंस, यानी कि इम्पेरेटिव में हम गिविंग एडवाइस और सजेशंस को कैसे यूज करेंगे नसीहत और मशवरा देने के लिए। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अपने बड़ों का एहतराम करो। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो। लव योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप से प्यार करो। सजेशन, ये एडवाइस थी, अब सजेशन कैसे होगी? सजेशन में ट्राई पिज्ज़ा, यानी कि ये वाला पिज्ज़ा ट्राई करो, मे भी हो सकता है ये चिकन से वेजी वाला ज़्यादा टेस्टी हो। इस सेंस में टेक अम्ब्रेला, इट्स गोइंग टू रेन, यानी कि आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो कि यानी यू नो कि इट्स गोइंग टू रेन, यू हैव सीन, यू हैव वॉच्ड द न्यूज़, आपने खबरें देखी हैं, सो आपके घर में कोई मेहमान है, वो कह सकते हैं कि प्लीज टेक द अम्ब्रेला विद यू, इट्स गोइंग टू रेन, आई मीन यू आर सजेस्टिंग हिम और हर। इम्पेरेटिव्स को खबरदार करने के लिए, तनबीह करने के लिए कैसे यूज करते हैं? हाउ टू गिव वार्निंग्स इन इम्पेरेटिव्स, डोंट टच इट्स हॉट, जैसे कि घर में चूल्हा वगैरह, ओवन वगैरह हार्ड होता है, आप किसी छोटे को बोलते हैं, किसी को बोलते हैं डोंट टच इट, इसको हाथ मत लगाओ, ये घर में हाथ जल जाएगा, सो इसे डोंट टच इट, इट्स हॉट। वॉच आउट, भाई देखो
क्या देखो द ट्रक इज कमिंग, आई मीन अगर आप सड़क पे जा रहे हो अपने ध्यान से, मोस्टली आजकल लोग फोन यूज कर रहे होते हैं, देखते नहीं है, तो पीछे से कहता हूँ भाई देखो ट्रक आ रहा है, ये कार आ रही है, ध्यान करो। सो वॉच आउट द ट्रक इज कमिंग, डोंट स्विम द वॉटर इज डीप, किसी रिवर वगैरह पे या सी वगैरह पे। बाहर ये साल लगे होते हैं भाई कि यहाँ पे तैराकी नहीं करनी, यहाँ पे नहाना नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गहरा है, आप डूब सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि डोंट स्विम भी है यहाँ पे, यानी कि डेंजरस क्रिएचर लाइक एलिगेटर वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं कि किस जंगल वगैरह के बाहर बोर्ड लगे होते हैं कि डोंट ट्रेसपास और डोंट गो इन देयर, देयर आर डेंजरस एनिमल्स, किसी को बोलते हैं यहाँ पे शेर वगैरह है, अंदर मत जाओ। द नेक्स्ट काइंड इज इनवाइट समवन, किसी को दावत देने के लिए इंपेरेटिव्स को कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स, प्लीज ज्वाइन मी इन डिनर, यानी कि आप मुझे रात के खाने में ज्वाइन करो। आप खाना खा रहे हो, आप किसी भी फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड को बोल सकते हैं प्लीज ज्वाइन मी इन डिनर, प्लीज कम टू द वेडिंग पार्टी, वेडिंग पार्टी। आप अपने किसी कोलीग को ऑफिस में या काम पे या किसी फैमिली मेंबर्स को, कजन को इनवाइट कर सकते हैं, प्लीज कम टू द वेडिंग पार्टी, हमारे यानी कि वेडिंग पार्टी में या बर्थडे पार्टी में शमूलियत तैयार करें, बेसिकली इट्स एन इन्विटेशन। प्लीज हैव अ पीस ऑफ केक, जब आप केक खा रहे हो, Everybody loves sweet cake. Myself, I love too. तो आप किसी को इनवाइट कर सकते हो, कम ऑन कम हैव अ पीस ऑफ केक। इम्पेरेटिव्स को हमने कैसे फॉर्मेट करते हैं, इनको कैसे बनाना है, उनको कैसे लिखना है। अफर्मेटिव जो पॉस जो मुस्बित जुमले होते हैं उनके लिए हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लीन योर रूम, क्लीन इज बेस फॉर्म। और जो नेगेटिव होंगे उसके लिए हम डोंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि डोंट गो इनसाइड। इसको मैं उर्दू में लिखता हूँ आसानी के लिए, आपको समझ आ जाएगा। अफर्मेटिव मुस्बत और ये मनफी, सॉरी मौसम जुमलों के लिए ये फॉर्मूला है, बेस फॉर्म क्लीन योर रूम, और नेगेटिव के लिए बस डोंट ऐड करना प्लस बेस फॉर्म। आई होप आपको लेसन नंबर टू अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने पहले भी लास्ट लेक्चर में कहा था कि प्लीज ऑलवेज कीप अ नोटबुक एंड पेन विद यू, जैसे ही आप इन वीडियोज को देख के लर्न करें प्लीज लिखते जाएं, एग्जाम्पल्स को कॉपी पर लिखेंगे, क्योंकि जब आप हाथ से लिखेंगे वो आपके दिमाग में नक्श हो जाएगा, इस तरह आपको याद भी हो जाएगा। आई गारंटी यू इफ यू राइट जितनी भी कांड 6 महीने लिखी है, हर कांड के अगर आप 10-10 जुमले लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। आई होप यू हैव लाइक द लेसन नंबर टू, सॉरी अबाउट द लेसन नंबर वन, द लाइटिंग कंडीशन, एंड स्प्रेड द वर्ड, टेल इट टू योर लव्ड वंस हु वांट टू लर्न इंग्लिश, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, अल्लाह हाफिज़।